सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन खुलने से पहले, जब तक मेरी दाढ़ी सही सलामत है, तो मैं एक बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट पे एक वीडियो ही क्यों ना कर लूं। तो चलो आज हम देखते हैं बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के कई पहलू। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट किन केसेस में किया जाता है और किस केसेस में नहीं करना चाहिए, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम एक फेमस पंजाबी फिल्म एक्टर का भी बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट डिस्कस करेंगे। कैसे बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये फिल्म एक्टर को पंजाबी सिख रोल्स ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे, बिकॉज उसका बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। तो बियर्ड का हमारी संस्कृति में काफी महत्व है। काफी लोग आजकल शेव करते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटीज हैं जहां पे बियर्ड रखी जाती है, और काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि आजकल बिकॉज इट्स इन फैशन बियर्ड रखना चाहते भी हैं। तो यही हमारा टॉपिक है कि बियर्ड अपनी कैसे घनी की जाए, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, और बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की लिमिटेशंस क्या हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको भरोसेमंद हेयर लॉस पे और हेयर ट्रांसप्लांट पे नोटिफिकेशंस आती रहें, और हम आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस करते रहें कमेंट सेक्शन के जरिए। स्टे ऑन। तो बियर्ड कोई एक प्रकार की नहीं होती, नाना प्रकार की बियर्ड पाई जाती हैं। तो आपको देख के ताज्जुब होगा कि कितनी सारी बियर्ड्स हैं, कितने ढेर सारे नाम हैं। कुछ बियर्ड सिर्फ माउथ और चिन के अराउंड केंद्रित होती हैं, बाकी काफी सारी बियर्ड जो कि ज्यादा पॉपुलर हैं, वो सारे फेस को फ्रेम करती हैं, उनको बॉक्स्ड बियर्ड कहा जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको यह सोचना है, स्पेशली अगर आपके पास डोनर एरिया ज्यादा नहीं है, तो आपको देखना है कि किस एरिया में आप अपने ग्राफ्ट को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि बियर्ड भी लगे और ज्यादा ग्राफ्ट वेस्ट भी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपको हेयर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़े। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि आप कम से कम ग्राफ्ट बियर्ड के लिए यूटिलाइज करें। तो ये है कुलजिंदर सिद्धू जी, जो कि फेमस पंजाबी एक्टर हैं, जो कि हमारे पास आए थे बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए एक साल पहले, क्योंकि उनको सिख रोल्स ज्यादा नहीं मिल रहे थे। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनका परिवर्तन देखिए, द चेंज इन हिज लुक व्हिच इज इमेंस, एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस इन हिज रोल्स। जब वो मूवी करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस देखने वाली है। तो ये है बियर्ड का महत्व। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, हमको सबसे पहले वो देखना है कि ये पेशेंट है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लायक है कि नहीं है। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है हमें। वो है नंबर वन, कि पेशेंट की उम्र 25 साल होनी चाहिए। क्यों 25 साल? क्यों? बिकॉज 25 साल तक आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, इसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके 25 साल तक पूरे हो जाते हैं। सो 25 साल तक वेट इसलिए भी करना है हमको, 25 साल की उम्र पे ये भी हमको मालूम चलता है कि पेशेंट को सिर के ऊपर गंजापन है कि नहीं। क्योंकि अगर सिर के ऊपर गंजापन हो रहा है और हम उसके बाल पूरे निकाल के और बियर्ड में लगा दें, कल को हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं रहेगी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो ये पेशेंट के साथ डिस्कस करना अनिवार्य है कि अगर हम ग्राफ्ट्स यहां लगा दें और अगर आपके ऊपर बॉल्डिंग होगी, तो आपको दो बार सोच लेना है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराना है कि नहीं। एक और बात, आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपको ये पता करना है कि उसके फादर, उसके नाना, उसके दादा को कितना गंजापन था। अगर था तो थोड़ा वेट करना चाहिए। हमेशा प्राथमिकता सिर की बॉल्डनेस को दी जाती है, बियर्ड को कभी नहीं। जनरली 22 to 25 ईयर्स एज में लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, और जो प्रायोरिटीज बाद में आती हैं 35, 40, 45 पे, वो अलग होती हैं। तो इसलिए काउंसलिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। इंडियंस में क्योंकि ब्राउन स्किन होता है, हमको बहुत ध्यान रखना है कि पेशेंट कितना सीरियस है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की। अगर आपने उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की है और आपको लगता है कि पेशेंट सिर्फ पीयर ग्रुप प्रेशर, ताकि दोस्तों की बातों में आके, किसी उसका दोस्त है जिसके पास बियर्ड बहुत है और वो चाहता है कि उसके पास भी हो, आपको यकीन है कि ये फिक्सेशन बियर्ड के लिए उसकी ज्यादा देर नहीं चलेगी, इट इज जस्ट अ पासिंग फेज इन हिज लाइफ, तो आपको उसको एनकरेज नहीं करना है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट से, क्योंकि हमारा स्किन ब्राउन है। थोड़ा सा भी अगर आपका सफेद दाग पड़ जाता है तो ये बहुत भद्दा लगेगा। ये सिर्फ 5 से 7% केसेस में होता है कि हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स, जो कि व्हाइट स्पॉट्स बन जाती हैं, लेकिन जब बनती है उस पेशेंट के लिए तो 100% होता है, और इसके करेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। और वो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरट्रोफिक स्कारिंग होती है, मतलब उनके कहीं पे बॉडी में अगर सुई भी लग जाए तो थोड़ा सा स्कार टिश्यू उभर जाता है। तो अगर वो चीक एरिया में हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कभी भी अगर कल को शेव करना चाहते हैं, तो उनकी शायद स्मूथ शेव कभी ना हो पाए। तो ये सब ध्यान में रखना है। और अगर पेशेंट फिर भी सीरियस है और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म तक पेशेंट बियर्ड चाहता है, तो जरूर करना चाहिए। हाँ, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं जैसे मुस्लिम्स, ज्यूज, सिक्स, उनको तो बियर्ड रखनी ही है। ज्यादातर लोग कमिटेड हैं बियर्ड लाइफ लॉन्ग रखने के लिए, तो उनमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। दूसरा ग्रुप है अफ्रीकन्स का। अफ्रीकन्स में तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज अफ्रीकन्स आर प्रोन टू हाइपोपिगमेंटेशन, ताकि जो कि सफेद दाग, हाइपरट्रोफिक स्कारिंग,
उभरा हुआ स्किन, तो इनमें तो डिस्करेज करना चाहिए बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट, अगर करना है तो ओनली इन द मुस्लिम कम्युनिटी इन अफ्रीकन इट शुड बी डन। लास्टली है कॉकेशियंस वाइट्स, इनमें हेयर ट्रांसप्लांट का कोई प्रॉब्लम नहीं है बियर्ड के लिए, बिकॉज इनमें स्किन वाइट होता है और स्कार अगर बने भी तो वो इसका कॉन्ट्रास्ट में कभी दिखेगा नहीं, तो इस ग्रुप में तो बहुत सेफ है हेयर ट्रांसप्लांट करना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के। एक ये पेशेंट है 22 साल के लड़के हैं, क्योंकि ये सिख हैं तो इनको जरूरी था कि ये पगड़ी बांधें, और पगड़ी क्योंकि बिना बियर्ड के अच्छी नहीं लगती तो इन्होंने बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहा। सेकंड पेशेंट ये भी सिख हैं, इनको भी पगड़ी बांधनी थी तो इन्होंने बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहा, और ये बहुत लेजिटिमेट है बिकॉज इन्होंने लॉन्ग टर्म तक बियर्ड रखनी ही है, तो इनमें कोई दो विचार नहीं है कि करना है कि नहीं करना है। और फिर ये एक्टर हैं, सिख एक्टर हैं, इनको पंजाबी इंडस्ट्री में सिख रोल्स चाहिए और इनके पास बियर्ड नहीं है, इनके लिए टर्बन डालना और उसके साथ मैचिंग बियर्ड होना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने भी बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया और इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं 1 साल के बाद, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट आया है। हमारी क्लिनिक्स में और कैसे रिजल्ट्स पाए जाते हैं उसके लिए आप क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब।